अंग्रेजी और हिंदी की उपयोगिता, चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर ग्रैंड एशिया न्यूज ने अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी से खास बातचीत की। सभी विषयों पर डॉक्टर रतन तिवारी ने विस्तार से अपनी बातें रखी। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशिया न्यूज की खास पेशकश शख्सियत। जी हाँ, शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन तिवारी, जिनका नगर निगम अपोजिट में जी रोड के सामने RKENT हॉस्पिटल संचालित है, जो कि पिछले 30-32 वर्षों से संचालित है। डॉक्टर साहब की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से लेकर के आज हम डॉक्टर साहब से उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं जो आज तक अनछुए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि दुर्ग भिलाई की बात यदि अपन किनारे करते हैं, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ यहाँ तक कि महाराष्ट्र और उड़ीसा से भी लोग कान नाक गला रोग से पीड़ित जो मरीज हैं यहाँ पे इलाज कराने पहुँचते हैं, और ये हमारे द्वारा लगातार निरंतर देखा जा रहा है कि जो स्वस्थ होकर वापस घर लौटते हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब से चर्चा करें, इसके पूर्व हमें डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं। सर, आपसे सबसे पहले तो ग्रैंड एशिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर, सबसे पहला एक सवाल है कि ये क्योंकि जिस पेशे से आप ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टरी के पेशे जिसे काफ़ी बड़ा कहा जाता है, भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है, सर इसमें मेरा सवाल आपसे कि ये चूँकि जो आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग अंग्रेजी माध्यम का जो आजकल के पेरेंट्स हैं सब अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को अपने डाल के पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छी कर सके, और हिंदी मीडियम को कुछ तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है, तो सर इसमें आपके क्या विचार है? सर देखिए, मैं दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं भी ये महसूस करता हूँ कि जो आम जनमानस है वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम के स्कूलों से में पढ़ाने की बजाय वो प्रयास यही करता है कि वो अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाया जाए। सरकार का भी मैंने देखा है कि कुछ हिंदी माध्यम के स्कूलों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित ना करके अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को ज़्यादा प्रोत्साहित करती है और उसमें परिवर्तन भी करती जा रही है। मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार है कि ये सोच, ये मानसिकता उचित नहीं है। भारत देश हमारा बहुत प्राचीन देश है, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है, हमारी जो वास्तविक भाषा है देव भाषा संस्कृत रही है, निश्चित तौर पे आगे चल के वो हिंदी में ही परिवर्तित हो गई। देश के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है और बच्चा जो जब से पैदा होता है वो हिंदी भाषा को ही सुनता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम से देते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बच्चा बचपन से छुटपन से जब से वो 1.5-2 साल से सुनना प्रारंभ करता है, जब से उसके मस्तिष्क का विकास होता है, तो वो हिंदी को ज़्यादा अच्छे से समझता है। और यदि हम उसकी जो शिक्षा है वो हिंदी माध्यम से प्रारंभ करें दें, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है और उसके मस्तिष्क का और बुद्धि का विकास तुलनात्मक रूप से किसी हम दूसरे माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से यदि हम उसको शिक्षा देते हैं, तो उसकी तुलना में हिंदी माध्यम से यदि हम शिक्षित करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके मस्तिष्क का विकास बड़ी तेजी से होता है। जैसे कि सर, मैं आपको एक मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। सर, मैं चूँकि अभी आमतौर पर यह देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों से जो गार्जियन है सर, वो अपने बच्चों को सर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ज़्यादा भेजने के इच्छुक रहते हैं, उसके लिए हालांकि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के बावजूद भी ये स्थिति देखी जाती है कि घर के गहने को गिरवी रख करके पैसे ब्याज में लेकर के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है। सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने तो ये देखा है, मैं अपने पेशेंट को देखता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि कई रिक्शे वाले, ठेले वाले, सिंपल सब्जी वाले, वो तक आके मुझको बताते हैं कि साहब हम तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा ये मानना रहता है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ेगा तो ज़्यादा तरक्की कर लेगा और बहुत सफल हो जाएगा। ये ऐसी उनकी एक सोच है। ये निश्चित तौर पे एक हमारी बहुत पुरानी, क्योंकि हम काफ़ी
सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो ये थोड़ी सी सोच तो डेवलप होती जा रही है। इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा भी आवश्यक है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो भी आनी चाहिए और उसका भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सोचना है कि सर्वप्रथम जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हिंदी मीडियम से ही प्रारंभ करनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो तरक्की नहीं कर सकता है और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे ही दुनिया में या जीवन में ज़्यादा सफल होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि आप दूसरे देश को देखिए, अन्य देशों में आप देखिए, आप जर्मनी में देखिए, आप चाइना में देखिए, जो भी विकसित देश हैं, जो भी जहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन नहीं रहा है, जो फ्री रहे हैं, वो अपनी शिक्षा अपने माध्यम से देते हैं। आप जर्मनी में जाइए तो वो देखिए, वो सारी किताबें उनकी जर्मन में। चाइना में आप जाइए, सारी चीज़ें चाइनीज में हैं, चाइनीज भाषा में हैं। आपको यदि जर्मनी जाना है, वहाँ पर कुछ कार्य करना है, तो सबसे पहले तो उनके जर्मन आपको सीखना पड़ेगा। वही जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो लोग कभी गुलाम नहीं रहे, हम लोग गुलाम रहे। तो एक हमारी एक मानसिकता विकसित हो गई है कि हम यदि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा ज़्यादा सफल हो जाएगा। और इस चक्कर में वो महंगे स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में ऐसा अपने बच्चों को डालते हैं। अब क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है, और बेचारे मेहनत भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश प्रयास पूरा करते हैं। जब उस प्रयास पूरा नहीं हो जाता तो फिर घर में जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको भी दांव पे लगा देते हैं, जिससे कि उनका एक आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो इस चीज़ को तो मैं उचित नहीं समझता हूँ। और मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत विचार है कि यदि आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के फीस के लिए या वहाँ के खर्चों के लिए या बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूलों के लिए यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो कृपया करके किसी भी प्रकार का लोन इत्यादि लेके, पैसा उधारी लेके, ब्याज में पैसा लेके अपने बच्चों को ऐसे बड़े बड़े या अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हिंदी माध्यम के स्कूल भी अब हमारे प्रदेश में और हमारे देश में बहुत अच्छा डेवलपमेंट उनमें हो रहा है, आपकी सरकार जो है चीज़ों को समझ रही है। क्योंकि सर आप हिंदी में माध्यम स्कूलों की बात कर रहे हो, मैं यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कौन से माध्यम से हुई है, इंग्लिश हिंदी माध्यम से हुई, अंग्रेजी माध्यम से हुई, आज इस मुकाम तक आप पहुँचे जहाँ पर पहुँचने के लोग तरस जाते हैं। आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही उचित प्रश्न है। और जहाँ तक मैं अपनी बात आपको बताऊँ, तो हालांकि मेरे जो पिताश्री हैं वो बीएसपी स्टील प्लांट में एक एग्जीक्यूटिव रैंक के ऑफिसर थे, और वो यहाँ पर जब रिटायर हुए तो उस समय वो एजीएम की पोस्ट से रिटायर हुए। हम लोग चार भाई बहन थे और हम चारों भाई बहनों ने हिंदी माध्यम से ही अपनी शिक्षा ग्रहण की है। चार में से तीन हम डॉक्टर हैं, एक हमारा जो भाई है वो फार्मासिस्ट है। और मेरा अपना जो व्यक्तिगत जो है, मैंने अपनी पूरी शिक्षा हिंदी माध्यम के स्कूल से ली। मेरा जो बचपन है वो कुर्सी पार से प्रारंभ हुआ। हालांकि मेरे जो फादर थे वो एक बीएसपी में ऑफिसर थे, एग्जीक्यूटिव रैंक पे थे, लेकिन हम लोग कुर्सी पार में रहते थे, सड़क नंबर 9 वहाँ पर है जोनमन में। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आप आश्चर्य भी कर सकते हैं और अनबिलीवेबल, कई लोगों को जब मैं बताता हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो बाल मंदिर बोला जाता है, वो कैंप के स्कूल में हुई। जब कैंप एक में, आज भी वो स्कूल मेरा वहाँ पर है, अब वहाँ मनोरंजन केंद्र लिखा हुआ है जवाहर मार्केट में, वहाँ से मेरी शिक्षा 3 साल की उम्र से प्रारंभ हुई। उसके बाद 1-1.5 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर मैं कुर्सी पार से, जो गवर्नमेंट स्कूल है बाबा बालकनाथ मंदिर के सामने, वहाँ से मैंने पहली क्लास से अपनी शिक्षा प्रारंभ की। पहली क्लास से लेके 6वीं क्लास तक
मेरी पूरी शिक्षा जो प्राइमरी मेरी शिक्षा है वो शासकीय स्कूल में हुई, जहाँ की हम लोग टाट पट्टी में बैठते थे। छठवीं क्लास के बाद फिर हम लोग सेक्टर वन शिफ्ट हो गए और छठवीं क्लास से लेके और ग्यारहवीं क्लास तक मेरी शिक्षा पुनः हिंदी मीडियम के सेक्टर वन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और उसके पश्चात हायर सेकेंडरी के पश्चात गवर्नमेंट साइंस कॉलेज दुर्ग से मैंने बीएससी किया। निश्चित तौर पे वो पूरा मीडियम हिंदी था। बीएससी करने के पश्चात मैंने बीएससी के समय ही मैंने पीएलटी एग्ज़ाम दिया, तो मेडिकल कॉलेज के लिए जबलपुर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। किंतु एमबीबीएस में जाने के बाद निश्चित तौर पे मुझे थोड़ी प्रारंभिक रूप से कठिनाई हुई, क्योंकि वहाँ का सारा कोर्स अंग्रेजी माध्यम में था, सारी किताबें अंग्रेजी माध्यम की थी, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो सारी अंग्रेजी में पढ़ाते थे और शुरू के 3-4-5 महीने तो मुझे थोड़ी परेशानी तो हुई थी, क्योंकि हम लोगों की हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के कारण वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं थी, जो शब्दकोश हमारा बहुत अच्छा नहीं था, तो शुरू के 6 महीने तो हमको ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाई हो रही है और कैसे हो रही है। लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से धीरे धीरे करके हमने सारा समझने का प्रयास किया और उसके बाद फिर अंग्रेजी माध्यम का ही चलता था वहाँ तो, पर निश्चित तौर पे थोड़ी सी समस्या तो आई थी और मैं समझता हूँ कि हिंदी माध्यम के स्कूलों में के स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या तो वहाँ पर आती है। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि हाँ, तब तक फिर जब तक एमबीबीएस ख़त्म होने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में काम ना कला विशेषज्ञ वाले उस पोस्ट ग्रेजुएशन फिर मुझे कुछ ज़्यादा समस्या नहीं आई, क्योंकि तब तक हम लोग ढल चुके थे अंग्रेजी पढ़ने में। और जहाँ तक अब जो सरकार जो स्टेप ले रही है, मुझे बहुत खुशी है कि केंद्र की जो सरकार है वो अब हिंदी माध्यम को प्राथमिकता देते हुए मनुष्य के बुद्धि के विकास को समझते हुए अब मेडिकल का की शिक्षा भी हिंदी माध्यम से देने का कानून नियम बना रही है। और इस उसमें जो है विशेष तौर पे जो मध्य प्रदेश में अभी ये देखा गया कि सारी जो पुस्तकें हैं अंग्रेजी माध्यम की, मेडिकल की जो पुस्तकें हैं, उनको हिंदी माध्यम में परिवर्तित किया जा रहा है, क्योंकि अब सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है कि जो बच्चों का जो विकास है वो अपने देश की अपनी भाषा में यदि उनको हम शिक्षा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकेंगे और ज़्यादा अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर या अन्य जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहें उसको वो सफल हो सकते हैं। अंग्रेजी भाषा आवश्यक है जानना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसका अपना एक अलग महत्व है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का महत्व नहीं है। हम यदि यहाँ से दूसरे देशों में जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो अंग्रेजी माध्यम आवश्यक है। ये चूँकि पिछले 30-32 वर्षों से सर आपका हॉस्पिटल यहाँ पे संचालित हो रहा है, इस बीच लगातार हमें जानकारियाँ भी मिलती हैं, क्योंकि आपकी जो फैमिली वो भी पूरा डॉक्टर, उसमें भी मैडम ही हमारे डॉक्टर मंजू तिवारी जी भी डॉक्टर हैं, आपके बेटे भी डॉक्टर हैं विशाल तिवारी जी। तो चूँकि सर आप लोगों के द्वारा सर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, उसके पीछे सर क्या क्या उद्देश्य रहते हैं? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो गरीबों के क्षेत्रों में या जो इल डेवलप्ड क्षेत्र है, स्लम एरिया है, वहाँ पर जो शिविर हम लोग लगाते हैं निःशुल्क चिकित्सा शिविर, उसका उद्देश्य ये रहता है कि कभी कभी कुछ जो बहुत जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से विपन्न जो लोग हैं, हालांकि अब तो सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं और जो गरीब लोगों के लिए कार्ड बन गए हैं, स्मार्ट कार्ड बन गए हैं, आयुष्मान कार्ड केंद्र सरकार का ने बनाया हुआ है, प्रदेश की सरकार ने भी खूबचंद बघेल योजना इस पर लाई है जिससे कि गरीबों का इलाज जो है वो निःशुल्क हो सके, तो ये अभी विगत कुछ 5-7 साल से
ये तो चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार का। और किंतु उसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो शुरुआती में हम लोगों को जो लगता था कि जो गरीब तबके का जो मरीज है, जो गांव में बहुत इंटीरियर में जो रहता, हम लोग नॉर्मली जो चिकित्सा शिविर लगाते थे वो शहर से बाहर लगाते थे, शहर के अंदर नहीं लगाते, क्योंकि शहर के लोग तो सक्षम है जाने में और अप्रोचेबल भी इजी रहता है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, यहाँ से 40 से 50, 60, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए तो आने जाने की समस्या कि भाई वो जा पाना उनका संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग उस ऐसे क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते थे, जिससे कि कम से कम उनको क्या बीमारी है, किस क्षेत्र की बीमारी है, किस ब्रांच की बीमारी है, उनका डायग्नोसिस तो कम से कम हो। एक दिन में हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते कि उसकी बीमारी को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। जितना संभव हो सकेगा वो उनको मेडिसिन भी देते थे और अभी भी जाते हैं, और जो उनका एटलीस्ट डायग्नोसिस तो बने कि इनको क्या बीमारी है, उसके हिसाब से क्या इलाज है, उसके हिसाब से क्या उनको सलाह है कि भाई आपको ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में उनको हम लोग जानकारी देते थे। पहले जब भाजपा सरकार ने स्मार्ट कार्ड योजना बनाई थी तो सारा डिटेल स्मार्ट कार्ड से का हम लोग मरीजों को देते थे कि भाई यहाँ यहाँ पर है, ये यहाँ पर सुविधा है, ये चिकित्सा शिविर है, आप मेडिकल कॉलेज में जाइए। उस समय तो एम्स नहीं हुआ करता था, अभी एम्स है, तो मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ आपको जैसे बाल श्रवण योजना है, गूंगे बहरे बच्चों को कॉकलर इम्प्लांट लगाए जाते थे, कॉकलर इम्प्लांट सर्जरी 10 से 12 लाख की होती थी, तो वो तत्कालीन बीजेपी सरकार ने बाल श्रवण योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में मुफ्त में कॉकलर इम्प्लांट सर्जरी की, जिसका 12 से 15 लाख रुपये खर्चा आता था, लेकिन सरकारी योजनाओं के हिसाब से वो मुफ्त में वहाँ पर होता था। तो इस तरह की जितनी सरकारी योजनाएं हैं अभी भी, जैसे कांग्रेस की सरकार है, खूब चंद बघेल योजना उन्होंने बहुत अच्छे से चालू करी है, तो वो जो उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, इलाज के साथ साथ उनका इलाज कहां पर बेहतर तरीके से हो सकता है, उनके अपने क्षेत्र में कहां हो सकता है, वहां नहीं हो सकता है तो चिकित्सा महाविद्यालय में हो सकता है, वहां नहीं हो सकता है या कुछ ऐसा रहे तो एम्स में हो सकता है, तो निःशुल्क शिविर के माध्यम से हम लोग डायग्नोसिस, इलाज, इसके अतिरिक्त उनको बेहतर चिकित्सा के लिए सलाह भी जो है वो हम लोग देते हैं, जिससे गरीब तबके का जो मरीज है जो वहाँ से इतनी दूर नहीं आ पाता, और निश्चित तौर पे प्राइवेट डॉक्टर हैं, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो फीस भी ज़्यादा रहती है, उनके पास फीस के लिए भी इतने पैसे नहीं रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो है वो दूर दूरस्थ क्षेत्रों में लगाकर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, एक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कि सबका साथ, सबका विकास, और मैं उसमें जोड़ देता हूँ सबका इलाज। सर चूंकि आप कान नाक गला के वरिष्ठ सर्जन हैं सर, तो सर क्या वजह है कि सर मरीजों का जो आपके ऊपर लगातार पिछले कई वर्षों से, कहीं 30-32 वर्षों से भरोसा बना हुआ, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों, अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पे किस रोग से पीड़ित लोग अपना इलाज कराने पहुँचते हैं, सर अपने पास कौन कौन सी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं? देखिए अभी हम लोग जो है वो अपने इस हॉस्पिटल में कान नाक गले से संबंधित तो लगभग सारी चिकित्सा कर रहे हैं। हमारा एक अत्याधुनिक ओपीडी चैम्बर है जिसमें सारे वीडियो एंडोस्कोप्स और दूरबीनें लगी हुई हैं, जिससे कि ओपीडी में बैठ के ही कम से कम खर्चे में उनका पूरा गले के अंदर तक का एंडोस्कोपी हो जाता है, नाक का पूरा एंडोस्कोपी हो जाता है, तो बहुत ही न्यूनतम खर्चे पे हो जाता है, जिसको कि हमको पहले ऑपरेशन थिएटर में या स्पेशल रूम में ले जाके करना पड़ता था। तो आजकल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की चीज़ें आजकल सारा डायग्नोसिस ओपीडी में हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था कर रखी है। हॉस्पिटल एक टोटली कान नाक गले के लिए डिवोटेड है, तो जिसमें हम लोग कान के ऊपर मेरी छेद है तो उसका प्रत्यारोपण, हड्डी खराब है तो हड्डियों का प्रत्यारोपण, इम्प्लांट्स लगाने हैं, तो इस तरह के जितने मैक्सिमम जो ऑपरेशन संभव हो सकते हैं वो हम लोग अपने आप ही करते हैं। नाक की किसी की हड्डी टेढ़ी है, किसी का नाक का प्लास्टिक सर्जरी करना है, तो इस तरह के ऑपरेशन हम लोग अपने आप
न्यूनतम खर्चे पे, कम से कम खर्चे पे हम लोग करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि गरीब से गरीब मरीज भी क्षेत्र का अपना ऑपरेशन करवा सके। सर चूँकि आपका निवासी स्थान भी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो सर किस तरह का प्रत्याशी क्यों अपन कल्पना कर सकते हैं जो आए जो सबकी बात समझे, क्योंकि अभी टिकट वितरण अभी चूँकि हालांकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, प्रत्याशी को लेकर के भी कहीं संतोष है कहीं असंतोष देखने को मिल रहा है, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आपका बड़ा प्रश्न बहुत घुमा के है क्योंकि मैं तो एक चिकित्सक हूँ और हालांकि मेरा राजनीति से मतलब हल्का फुल्का ही नाता है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो जहाँ तक राजनीति का जो प्रश्न है वो ये है कि जो भी सरकार आती है क्षेत्र में उसका एक नैतिक दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने विधानसभा का या अपने राज्य का अच्छे से विकास करें और आम जनता को जितनी सहूलियतें प्रदान हो उतना करें। जहाँ तक टिकट वितरण की बात आती है तो निश्चित तौर पे जहाँ कहीं भी टिकट वितरण में तो टिकट तो एक ही है, दावेदार तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं सुना था कि वैशाली नगर, क्योंकि मैं यहीं पर निवास करता हूँ, यहीं पर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ पिछले 30-32 साल से, तो मैंने सुना है, कितना सही है ये मुझको ज्ञान नहीं है, कि लगभग 200-250 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन दिया। निश्चित तौर पर एक लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का अपना एक वो एक अधिकार है कि टिकट के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे और कुछ प्रयास भी करे टिकट प्राप्त करने के लिए, जिसमें कि कई चिकित्सक भी इसमें, चिकित्सकों ने भी इसमें वो दावेदारी की है, वो अच्छी बात है। कई समाज सेवी लोगों ने भी इसमें दावेदारी की है, बहुत अच्छी बात है। किंतु मेरा ये मानना है कि जो पार्टी का जो हाईकमान है वो बहुत सोच समझ के टिकट का जो है वो वितरण करते हैं। बहुत सारे सर्वे होते हैं कि भाई कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है, कौन सा प्रत्याशी जीत नहीं सकता है। सर्वे में बहुत सारी चीज़ें जो मुझको थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसमें ये निश्चित तौर पे कि जो प्रत्याशी है उसकी शिक्षा दीक्षा और उसका जो है वो रहन सहन, उसका जो है लोगों के प्रति लगाव, लोगों के प्रति ईमानदारी और जो है उसकी अपनी जो आम जनता में उसकी क्या इमेज है या छवि है, ये सारी चीज़ों का जो है सारे बिंदुओं पे जो है पार्टी अपना एक सर्वे करती है और जिनको भी वो उचित समझती है उनको पार्टी टिकट देती है। ये एक एक प्रक्रिया है। हाँ, ये है। अब निश्चित तौर पे यदि प्रत्याशी के लिए आवेदन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, प्रतिद्वंदी हो गए, तो वहाँ तक तो ठीक है, जब तक टिकट वितरण नहीं हुआ है तब तक भाई ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यदि एक बार टिकट वितरण हो गया है और पार्टी ने जिस किसी को भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो मेरा ऐसा ये मानना है कि फिर सारे लोग, चाहे वो जिस पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, वे उनका एक अब नैतिक दायित्व बनता है कि आपसी वैमनस्य को भूल के अब वो कॉम्पिटिटर नहीं रह गए, अब वो तो एक पार्टी के एक सदस्य रहे, चाहे जिस पार्टी के भी हों। अब उनका एक नैतिक दायित्व बनता है कि भाई वो अपना जो भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है उसको पूरे अपने पूरे एफर्ट लगा के, पूरी मेहनत से, तन मन धन से अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई कभी कभी काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं कि भाई ये टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ, ऐसा लोग मैं सुनता रहता हूँ, भाई टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ, ये प्रत्याशी तो धोखेबाज है, ये कुछ भी है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्लस और एक दो थोड़ा माइनस रह सकता है, ये तो मानव स्वभाव है। तो किसी का बहुत कम यदि माइनस है तो उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके और उसके खिलाफ़
एक माहौल बनाते हैं और फिर देन जाते हैं लोग कि भाई ये प्रत्याशी ठीक नहीं है, जो मैंने भी जो सुना है कि ये प्रत्याशी ठीक नहीं है, रहने से हम काम नहीं करेंगे, ये उचित नहीं है। और जो भी प्रत्याशी पार्टी घोषित करती है तो उसके लिए जो है सारे जो कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के, वो उनका एक नैतिक दायित्व बनता है कि उसको जिताने का पूर्ण प्रयास करें। हाँ, यदि किसी क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या आती है कि भाई अधिकांश लोग यदि ये बोल रहे हैं कि पार्टी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके विरोध को भी संज्ञान में पार्टी के जो आला कमान हैं या जो बड़े नेता हैं उनके विरोध का भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आखिर किसी एक व्यक्ति का इतना ज़्यादा क्यों विरोध हो रहा है कि सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उसका संज्ञान तो लेना चाहिए। और जो जो दूसरे जो हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी पुनः सलाह मशवरा करके यदि आवश्यक लगे तो पार्टी प्रत्याशी को बदल भी देना चाहिए, विरोध के हिसाब से पुनः सर्वे भी एक कराना चाहिए कि पुनः सर्वे करके यदि अच्छा लगता है कि पार्टी के उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश लोग यदि विरोध कर रहे हैं, चुटपुटिया विरोध तो हो सकता है, वो उसका कोई अर्थ भी नहीं, क्योंकि हर आदमी असंतुष्ट हो जाता है, भाई मैंने भी टिकट के लिए आवेदन दिया मुझको नहीं मिला तो मैं असंतुष्ट हो गया, इसको नहीं जिताना है, ऐसा एक अलग बात है, छोटा मोटा विरोध का जो रहता ही है लोकतंत्र है। लेकिन यदि अधिकांश लोग विरोध में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको उनका विरोध भी संज्ञान में लेना चाहिए। और यदि आवश्यकता पड़ी तो भाई क्योंकि हम पार्टी को जीतना है, प्रत्याशी का जीतना है, और पुनः एक सर्वे करके यदि आवश्यकता लगती है तो बदल भी देना चाहिए, ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मत है। किंतु पार्टी जिसको भी प्रत्याशी घोषित करती है सारे कार्यकर्ताओं का एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि अपनी पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताने का पूर्ण प्रयास करना है। सर अंतिम सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप कान नाक गला रोगों से बचाव को लेकर के सर हमारे दर्शकों से सर आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए कान नाक गला के हिसाब से आमतौर पे देखा गया है कि कान के प्रॉब्लम थोड़े से ज़्यादा हैं हमारे इस क्षेत्र में, और यह हो सकता है कि मैं मुख्य रूप से कान को ही ज़्यादा इलाज में मेरा एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मेरे पास कान के ही हो सकता है ज़्यादा मरीज आते होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली यदि कान से किसी को टीप मवाद निकल रहा है या खुजलाहट है या दर्द हो रहा है तो निश्चित तौर पे जो हम जो अपने घरेलू स्तर पे कर सकते हैं तो सबसे पहले तो कान में पानी नहीं जाना चाहिए, ये प्रारंभिक एक बचाव रखना चाहिए कि यदि आपको पता चल गया या नहीं पता चला कि कान में छेद है पर्दे में या मवाद निकल रहा है तो सबसे पहले तो कान को पानी से बचाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए रुई रहती है, उसको तेल में डुबा के या वैसिन वगैरह लगा के वो वाली रुई कान में लगा के तो नहाना चाहिए। दूसरा जो है अच्छे डॉक्टर को सेलेक्ट करके आप उनके पास आप जाइए। मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं अपने मरीजों से भी कहता हूँ कि आप जिस डॉक्टर से इलाज कराने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने की आपकी इच्छा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा पता भी कर लीजिए, जरूर करिए, चाहे मैं भी हूँ चाहे वो कोई भी रहे कि भाई उनका कैसा वो है। और तीसरा जो है ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे बेचारे बोल नहीं पाते हैं या एक दो तीन चार साल के रहते हैं वो कान में दर्द की अक्सर शिकायत करते हैं, और उसमें हम यदि विशेषज्ञ के पास बच्चे को नहीं ले गए, जनरल प्रैक्टिशनर या कहीं चले गए, तो वो क्या होता है कि वो कान में डालने का दवाई लिख देते हैं। जबकि छोटे बच्चों में पहले ध्यान में रखना चाहिए कि उसको सर्दी तो नहीं हुई, क्योंकि यदि सर्दी होती है तो गले और कान के बीच की एक नली रहती है वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने से कान के पर्दे के पीछे पानी भरना चालू हो जाता है और वहाँ से कान को दर्द शुरू हो जाता है, तो बच्चा कान में हाथ लगा के मसलता रहता है और पेरेंट्स को कोई बोल नहीं पा रहा है, सब बता नहीं पा रहे, तो समझ नहीं पाते हैं क्या है, वो अपनी तरफ से चिकित्सक के पास ले जाते हैं। अब यदि वो ENT का चिकित्सक हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जब वो पर्दा फूट जाता है, पानी आने लगता है, तब फिर उनको समझ में आता है कि ये तो कान से पानी निकल रहा है, फिर वो ENT के डॉक्टर के पास जाते हैं।
तो मेरा ऐसा ये मानना है कि यदि छोटा बच्चा भी है और यदि वो कान में दर्द की शिकायत कर रहा है तो आप उसको ENT कान नाक गले विशेषज्ञ के पास ही यदि संभव हो सके तो आप उसको लेके जाएं। दूसरा जो है नाक में जो जो समस्याएं आती हैं, नॉर्मली एलर्जी के प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं, अभी एटमॉस्फेयर में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर डस्ट वस्ट यदि एलर्जी है तो मास्क को पहने, मास्क को थोड़ा सा गीला कर लीजिए तो डस्ट को वो रोक लेता है, तो इस तरह से आप बचाव रख सकते हैं इससे, एलर्जी वाले धूल धक्कड़ से इत्यादि से। यदि आप अगरबत्ती के धुएं से या किसी धुएं से आपको समस्या आ रही है तो उस जगह से आप हट जाइए। पुराने जो रद्दी कागज़ रखे हैं, पेपर रखे हैं, अलमारियाँ साफ़ कर रहे हैं, धूल उड़ती है उससे आती है, तो प्रॉपर नाक में मास्क रख के फिर वो काम करिए। बहुत ज़्यादा डस्ट है तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग यदि आप सक्षम हो सकते हैं तो उसको करिए। गले में जो समस्याएं आती हैं वो आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोगों को सूखी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और छाती में दर्द भी हो रहा है, छाती से घर घर की आवाज़ भी आ रही है, तो इसमें यह है कि इस समय आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड इत्यादि का कुछ प्रयोग ना करें, नमक के पानी का कुनकुना करके गरारे करें और कोशिश करें कि एक भाप लें, सिंपल भाप आप लीजिए तो उससे काफ़ी कुछ आराम आ जाता है, और यदि भाई भी नहीं आता है तो कान नाक गलन विशेषज्ञ से संपर्क करें। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन तिवारी जी, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से लेकर के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, साथ ही कान नाक गला रोगों से संबंधित जो उपचार भी है वो भी पूरे विस्तार तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से इस डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं, विशेषकर कान नाक गला से संबंधित रोगों में इन्होंने महारत हासिल की, इसकी यही वजह है कि दूर दराज के क्षेत्रों से मरीज यहाँ पर उपचार कराने पहुँचते हैं। तो हमारी भी दर्शकों से अपील है कि डॉक्टर रतन तिवारी जी के बताए हुए दिशा निर्देशों का को फॉलो करें, उस गाइडलाइन पे चलें, तभी इन लोगों से सुरक्षित रहा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।